रात ही रात ही दोस्तों दोस्तों बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना जाता है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन माँ सरस्वती को समर्पित है, इसलिए इसे सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस बार बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन लोग ज्ञान की प्राप्ति और सुस्ती, आलस्य एवं अज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए देवी सरस्वती की उपासना करते हैं। स्कूलों में भी इस दिन सरस्वती पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसी कारण से बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत ही खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाएं, तो इससे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती की कृपा से मनचाहा वरदान मिलता है और हर क्षेत्र में सफलता मिलने लग जाती है। इसके साथ ही विवाह में आ रही अड़चने भी दूर होती हैं, क्योंकि यह दिन प्रेम के देवी देवता कामदेव और रति देवी को भी समर्पित है। इस दिन कुछ आसान से उपाय करने से कामदेव और रति देवी की कृपा से विवाह संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, साथ ही दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बनता है। दोस्तों इस बार बसंत पंचमी पर पूरे 300 वर्षों बाद कई दिव्य दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग के साथ ही अश्विनी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र रहेगा। साथ ही बुधवार के दिन होने से यह और भी ज्यादा खास हो गई है। दोस्तों हिंदू धर्म में अखंडित चावल यानी कि अक्षत को बहुत ही पवित्र माना गया है। चावल पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार पूजन में अगर किसी भी सामग्री की कमी हो तो उसकी जगह पर अगर अक्षत चढ़ा दिए जाएं तो पूजन पूर्ण हो जाता है। एकादशी पूजन के अलावा अन्य सभी पूजन में चावल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। चावल के बिना कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होता। बसंत पंचमी पर भी चावल का विशेष महत्व होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीले रंग के मीठे चावल बनाकर इनका माँ सरस्वती को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। बसंत पंचमी पर पीले मीठे चावल का माँ सरस्वती को भोग लगाने से माँ सरस्वती के साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं होती और पैसा भी टिकने लगता है, यानी कि बेफिजूल में पैसा खर्च होना बंद हो जाता है। इसलिए माँ सरस्वती के साथ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मीठे पीले चावल का माँ सरस्वती को भोग अवश्य ही लगाएं। इसके लिए चावल बनते समय चावल में केसर डाल देना चाहिए और चावलों में चीनी डालकर उन्हें मीठा कर देना चाहिए। लेकिन अगर केसर ना हो तो आप हल्दी के चावल भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें चावल में नमक वगैरह ना डालें। मीठे चावल का माँ को भोग लगाना है। भोग के लिए आप दो अलग प्लेट में चावल निकालें, एक माँ सरस्वती के लिए और एक भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के लिए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की जो भोग की प्लेट है उसमें आप एक तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और फिर माँ सरस्वती के साथ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को भी चावल का भोग लगाएं और फिर धूप दीप जलाकर माँ सरस्वती की पूजा करें। पूजन के पश्चात इन चावलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा से मनचाहा वरदान मिलता है, बुद्धि कुशाग्र होती है, माँ सरस्वती की कृपा से कार्यों में आ रही अड़चने दूर होकर हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। साथ ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद से कष्ट दूर होते हैं और धन संबंधी सभी समस्याएं भी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से दूर हो जाती हैं। चावल का भोग लगाने के साथ ही आज के दिन चावल से माँ सरस्वती और कामदेव रति देवी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजन करना चाहिए। अब आप थोड़े से
अखंडित चावल लें। जो आपने भोग के लिए चावल बनाए हैं उसमें खंडित चावल यानी कि टूटे चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब पूजन में जो चावल चढ़ाए जाते हैं उसमें अखंडित चावल होने चाहिए, यानी कि चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए। अब आपको अखंडित चावल लेने हैं और इन चावलों में थोड़ी सी हल्दी डालकर इनको पीले रंग का कर लें। अब अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, माँ सरस्वती को प्रणाम करें, भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आज के दिन पीले रंग के ही फल मिष्ठान का माँ को भोग लगाना शुभ माना जाता है। अब आप अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल लें। दोस्तों, इसके लिए आपको कच्चे चावल ही लेने हैं। चावल लेकर आप इस मंत्र का जाप कर माँ सरस्वती को चावल अर्पित करें। मंत्र है, इदम अक्षतम ओम महासरस्वते नमः। इदम अक्षतम ओम महासरस्वते नमः। इस मंत्र का एक बार जाप करें और एक बार ही चावल माँ सरस्वती को अर्पित करें। फिर दूसरी बार थोड़े से चावल लें और फिर इसी मंत्र का एक बार जाप कर फिर से माँ सरस्वती को चावल अर्पित करें। माँ को चावल अर्पित करने के बाद आप माँ सरस्वती के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है, ओम हिरम एम हिरम सरस्वते नमः। मंत्र है, ओम हिरम एम हिरम सरस्वते नमः। इस तरह माँ सरस्वती का पूजन कर अब आप कामदेव और रति देवी को प्रणाम कर उनका पूजन करें। अब आप कामदेव रति देवी को चावल अर्पित करें। अगर आपके मंदिर में कामदेव रति देवी की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप भगवान विष्णु जी, लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण जी के जो भी आपके यहाँ प्रतिमा या तस्वीर है, आप उनके चरणों में यह चावल अर्पित कर दें, क्योंकि भगवान विष्णु जी में ही समस्त देवी देवता समाहित हैं। कामदेव का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र का जाप कर कामदेव को चावल अर्पित करें। मंत्र है, इदम अक्षतम ओम काम देवताय नमः। इदम अक्षतम ओम काम देवताय नमः। आपको इस मंत्र का एक बार जाप करना है और एक बार चावल कामदेव को अर्पित करने हैं। फिर दूसरी बार इस मंत्र का जाप करें और दूसरी बार चावल कामदेव को अर्पित करें। इस प्रकार 3 बार मंत्र का जाप कर 3 बार चावल कामदेव को अर्पित करने हैं। फिर आप रति देवी को प्रणाम कर 3 बार रति देवी को भी चावल अर्पित करें। रति देवी को चावल अर्पित करते समय आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, इदम अक्षतम ओम रति देव्य नमः। मंत्र है, इदम अक्षतम ओम रति देव्य नमः। इस तरह आप कामदेव और रति देवी को चावल अर्पित करें। चावल अर्पित करने के पश्चात कामदेव रति देवी को प्रणाम कर कामदेव के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है, ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। मंत्र है, ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, साहित्य से, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप इस तरह माँ सरस्वती को चावल अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा से कला में निखार आता है, बुद्धि तीव्र होती है, परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। माँ सरस्वती की कृपा से विद्या बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही अगर आपके किसी कार्य में रुकावट आ रही है, आप परीक्षा देते हैं, अच्छे परिणाम नहीं आते, आपके कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो भी आप इस तरह माँ सरस्वती का पूजन अवश्य ही करें। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा से कार्यों में सफलता मिलेगी और बिगड़े कार्य भी बनने लग जाएंगे। अगर आप वैवाहिक हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव चल रहा है, दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं रहा, पति पत्नी के आपसी संबंध खराब हो रहे हैं, तो आप इस तरह कामदेव और रति देवी को भी चावल अर्पित कर उनका पूजन अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से कामदेव और रति देवी की कृपा से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है
और दाम्पत्य जीवन में आ रही खटास दूर हो जाती है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर आपके विवाह में कोई रुकावट आ रही है तो भी आप कामदेव और रति देवी का पूजन अवश्य ही करें। कामदेव रति देवी की कृपा से जल्द विवाह के योग बनते हैं और प्रेम विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूजन के बाद कच्चे चावलों को ऐसे ही रखा रहने दें, अगले दिन इन्हें इकट्ठा कर पक्षियों को डाल दें। दोस्तों, बसंत पंचमी के पावन पर्व पर इन आसान से उपायों को कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।